गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो वाइस आज फैमिली में। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए। और आजकल मेरी गुड मॉर्निंग आपके साथ उठी इस लिफ्ट में, क्योंकि मैं बस अभी जिम जा रही हूँ और लिफ्ट में हूँ मैं अभी, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। अभी आ गई हूँ घर और टाइम 10 बज रही है। वैसे मैं 9:30 बजे आ गई थी, जल्दी आ गई थी आज, क्योंकि मैं आज 7:30 ही चली गई थी जिम, इसलिए जल्दी आ गई। जूस वगैरह पी लिया और अभी हम बैठी हूँ, नहाने जाना है। अर्शु को नहलाऊंगी पहले, उसके बाद मैं नहाऊंगी परी नहाने की, आज उसका भी छुट्टी आज उसकी भी। और सामान लाना है मार्केट से, मिंटू भाई सबका कॉल आया उनके लिए भी लाना है और मम्मी के लिए भी कोई लूंगी वगैरह भी लेके आनी। तो देखते हैं आज जाते हैं या कल जाते हैं। नहीं माता है गाय को लेकर कल चलो। ये भी मिंटू भाई भी लाना सूट, मेरा भी लाना सूट, पैसा दे दे सब। अरे तो अब पता नहीं कहती क्यों मेरे को पैसा मेरे पास अब पैसे नहीं है, मेरे बटुआ दिखाती हूँ। मैं तो नहीं बनती बड़ी, मैं छोटी बनू अब। मेरे बटुए में आपको पैसे दिखाती हूँ कितने हैं, सिर्फ ये 100, 50, 10, 20 बस यही है। 500 का एक भी नोट नहीं है। 500 का एक भी नोट नहीं है। तो पैसे लेंगे पहले तो परी के पापा से और उसके बाद जाएंगे, कल जाएंगे मार्केट, क्योंकि कल पूनम की छुट्टी है। तो बोल रही मैं भी चलूंगी, उसको भी सूट लाने हैं, मिंटू भाई सभी सूट लाने हैं, मेरे लिए नहीं लाने, तो कल जाएंगे। नहा ली हूँ मैं, अब हम करेंगे थोड़ा सा मेकअप क्योंकि हमें बनाना है वीडियो। बिंदी लगाएंगे हम, नहीं इससे पहले लगा लिया ना, नहीं बस इतना ही करूंगी, ज्यादा मेकअप नहीं करूंगी, सीसी क्रीम लगाई है ओनली। अब लगाएंगे बिंदी, काजल जो कि मेरा फेवरेट है, मेवलिन वाला। मैंने आपको वीडियोस में बताया भी है कि मैं कौन सा काजल यूज करती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते रहते हो बार बार। तो ये वाला काजल मैंने, काजल लगा लूंगी अभी, ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा काजल है, मेरा फेवरेट है काजल में, मेरा फेवरेट ही है। बच्चे हमारी टीवी देख रहे हैं, परी देख रही पेपा पिग जो कि उसका फेवरेट है, अर्शु उसके साथ बैठा हुआ है वो भी देख रहा है। काजल लग गया है, ये देखो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने तोड़ दिया। ये मैं हमेशा ये रखती हूँ, काजल लगाने के लिए चाहिए होता है मुझे बार बार, दैट्स व्हाई। और मैं सोच रहा हूँ थोड़ी डार्क लिपस्टिक लगा लूँ क्योंकि वीडियो बनाना है तो अच्छा लगेगा, थोड़ा डार्क रेड। ये है स्विस ब्यूटी का, इतना ही मेकअप करेंगे हम, लेट्स इट। मम्मा देखो थोड़ी पर मत पानी भर बेटा, पीला गया Oh,
बाहर चले गए तो उनको लेने जाती हूँ मैं बालकनी में। यार डर लगता है मुझे, मैं अकेला नहीं छोड़ सकती बिकॉज अर्शु का कोई भरोसा नहीं है। परी तो खैर समझदार है, अर्शु हमारा बहुत गुंडा बच्चा है। तो ये दोनों यहाँ खेल रहे हैं, मैं भी बाहर आ गई। मुझे डर लग रहा था यार, ये जाए बच्चा है छोटा है। और गाड़ियाँ चल रही है, गाड़ियों का शोर आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। यहाँ हवा बहुत अच्छी आती है, वैसे गर्मियों में ना बहुत बहुत मस्त हवा आती है यहाँ। बैठे बैठे वीडियो बनाओ, वीडियो भी अच्छा आता है। तो रील्स वगैरह भी यहीं बनाएंगे, थोड़ा गर्मियों अच्छा लगेगा। ये दोनों खेल रहे हैं बच्चे हमारे। अर्शु, अरे वाह, ये पिचकारी ला कर दी थी मैंने कल इसको, पर सही नहीं है यार, चलती नहीं है। नहीं चलती ना भाई, अच्छी नहीं है, बढ़िया वाला की देखी। मैंने सोचा छोटी सी लाके देती हूँ ताकि अर्शु चला पाए आराम से। और ये इसका ये बताई तब मेरे से भी बहुत मुश्किल हो रहा है, इसको हो ही नहीं रहा। खड़े हम लोग खोल देते हैं। यार तुम लोग अंदर बैठे तो मैं वीडियो बना लूं फिर। नहीं बेटा मैं यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैडम चाबी भूल गई स्कूटी की, तो चाबी लाने गई है। हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं क्योंकि यार मतलब झोटवाड़ा में थोड़ा ट्रैफिक रहता है। ये कपड़े देने मिंटू ऐसा के स्टिचिंग के लिए, और उनके लिए एक दो सूट लेने हैं। पूनम को भी एक दो सूट लेने हैं, सुशीला को भी सूट लेने हैं, तो उन सब के लिए सूट लेके आएंगे और मिंटू ऐसा के लिए सूट लेके आएंगे। और बाकी स्कूटी से जा रहे हैं हम दोनों, मैं और पूनम, और दिखाते हैं आपको आगे कि क्या क्या लेते हैं। गोरे गोरे नहीं आ रहे, काले काले आ रहे हैं। और आज तो बहुत टाइम बाद स्कूटी में बैठी, मजा ही लग रहा है। मेरा मन करता स्कूटी में बैठने का, मेरा मन करता है गाड़ी ले पहुंच जाऊं, लेकिन ट्रैफिक मिल गया। और हमारा मन नहीं करता इनके साथ गाड़ी में बैठने का, और इनका मन नहीं करता मेरे साथ गाड़ी में बैठने का, क्योंकि इनको लगता है डर। और पहले भी नहीं है गाड़ी बहुत अच्छी, ये स्कूटी बहुत वाहियात चलाती है। और मुझे इसके साथ स्कूटी में बैठने का मन नहीं करता। फोटो आ गया था, मैं बाद में बात कर रहा हूँ। रिजेक्टेड पसंद नहीं बात शीशो मन पर सिंपल में जाओ तो आज बिना मन तो बेटा की अच्छी लग रही है, फुल प्लेयर है। थैंक यू। तो पे मंगाई तो यहां की है, मतलब फुल ही रहा चाय मंगाऊं ना अगले मत नहीं हां नहीं मेट डाइटिंग तरफ हां दे दियो ऑलसम बोल मैडम मन तो पसंद आई यार, देख मन तो टाइप की अच्छी लग रही है यार, जब मन पसंद आई सोच के निकले बोल मैडम। कविता ले लिया देख लिया था पहले ही, हमने पहले देख लिया था। और देखो भैया वो दिखाओ तो आई लव इट। मैंने सोचा था आज मैं शॉपिंग नहीं करूंगी, बट इस सूट को देख के मेरा मन चल गया, अच्छा लग रहा है ना। शानदार ले लो, ले लो, चले केक ले लो, पूनम ने परमिशन दे दी, ये इतने मना किया था कि आज तूने शॉपिंग कर ली तो देख लेना, अच्छा लग रहा है। कंट्रोल नहीं आता, एक ले ले बस। ओके पुन्ना मैडम लेती है वो अपने लिए। पूरी दुकान
वो कर दी हमने। पूरी दुकान तहस नहस कर दी। यस ये मैंने पहनी है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत शानदार चीज़ है। हाँ मैंने पहन लिया ना, इसलिए महंगा हो गया। महंगा हो गया ना। हाँ देख रहे हो कपड़े इतने सारे हमने ले लिए, और बाकी अभी पूनम देख रही है अपने लिए, बाकी सुशीला वगैरह के लिए सब के लिए ले लिया हमने, थोड़े बहुत सूट हो गए देखने, पूनम देख रही है अपने लिए। हम लोग और सूटों की जांच हो रही है यहाँ, सब लोग पहन पहन के देख रहे हैं। सुशीला अपनी सूट देख रही है, और बहुत सारे सूट लेके आए हम, चार पाँच लिए, दो चार पाँच छः सात, सात सूट लेके आए हम, और सभी के डिज़ाइन कलर बहुत ही प्यारा है। शॉप का एड्रेस मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके अगर आपको पसंद आता है, मतलब अच्छी डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छी है, प्राइस वगैरह भी एकदम परफेक्ट है, तो सूट वगैरह चाहिए हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। शॉप का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नंबर वगैरह सब डाल दूँगी मैं, तो आप लोग पूछ लेना। सूट अभी आपको दिखाएँगे थोड़ी देर में। फेस वॉश किया है मैंने और रात हो चुकी है, टाइम आई थिंक 9 बजने वाले हैं। एंड आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे जब मैंने आपको बोला कि मैं पिगमेंटेशन की दवाई लेने हनुमानगढ़ जा रही हूँ, तो आप लोगों में से बहुत सारी लेडीज़ ने मुझे हनुमानगढ़ जाना है चलेंगे, तो मुझे बहुत सारी लेडीज़ ने कमेंट किया था कि आप प्लीज़ हमें भी बताओ 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 बताओ, तो मैंने उनको कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था, क्योंकि यार देखो आपके चेहरे का सवाल है, बिना डॉक्टर के सजेशन के आप कभी भी कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम सबकी स्किन अलग होती है। ऐसा नहीं कि जो दवाई मुझे सूट हुई हो सकता है आपको ना हो, वो ज़्यादा आपका चेहरा ख़राब हो जाए, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का चेहरा ज़्यादा ख़राब हो, लेकिन अगर फिर भी आप लोग जिद करेंगे कि नहीं हमें तो बता दो वो हमारी रिस्क है, तो मैं फिर भी आपको बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, जब मेरे अच्छी तरह से बिल्कुल, ये देखिए आपको हल्की हल्की दिखाई दे रही होगी, जब मेरा अच्छी तरह से फेस क्लीन हो जाएगा ना, अगर हो गया अच्छी तरह, तो मैं 100% आपको बताऊंगी। और अगर आप बोलेंगे कि नहीं डॉक्टर के नंबर भी हमें दो, तो मैं वो भी दे दूंगी आपको, क्यों डॉक्टर के नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप फ़ोन पे भी दवाई ले सकते हो, वैसे तो वो भी करते हैं डॉक्टर साहब, दे देते हैं दवाई वगैरह फ़ोन पे भी, तो मैं आपको नंबर भी दे दूंगी, लेकिन अभी नहीं दूंगी, मतलब नंबर तो चलो आप मांगोगी तो मैं दे दूंगी, लेकिन दवाई मैं नहीं बताऊंगी जो मैं लगा रही हूँ, क्योंकि यार मतलब आपका फेस ख़राब हो सकता है। आपको पता है मेरी और उषा की सेम प्रॉब्लम है, मतलब उसके भी जो हमारी बहन है उसके भी हल्की हल्की ये छाया है, तो उनको भी मेडिसिन अलग दिए डॉक्टर ने और मेरी अलग है, एक भी मतलब टेबलेट वगैरह सिमिलर नहीं है हम लोगों की, बिल्कुल डिफरेंट दवाई है, क्योंकि उनकी स्किन अलग है मेरी स्किन अलग है, इस वजह से तो आपको वो सेम दवाई नहीं चलेगी जो मेरे है, और हो सकता है चल भी जाए, काम कर भी जाए, आपकी किस्मत अच्छी हो तो मैं आपको बताऊंगी उस दवाई का नाम वगैरह जो भी डॉक्टर ने मुझे दिया है, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, बट अभी नहीं बताऊंगी, जब मेरा फेस अच्छी तरह क्लीन हो जाएगा और मुझे लगेगा कि हाँ ये दवाई अच्छी है और मतलब काम की है, मतलब काम की है, वैसे तो वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं हमारे हनुमानगढ़ के, फेमस डॉक्टर है वो, और जब मैंने बोला था कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैंने नाम वगैरह नहीं बताया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप उन डॉक्टर के पास जा रहे हो, उन डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो हाँ मैं उन्हीं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर भिंगड़ा करके है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं स्किन के। एक बार मुझे मतलब फुंसियाँ हो गई थी, पिंपल हो गए थे बहुत सारे फेस पे, तो मैंने यहाँ से जयपुर से दवाई ली, इतनी सारी दवाइयाँ उन्होंने मुझे दी, लेकिन फिर मैं एक रात के लिए हनुमानगढ़ गई, मैं वहाँ से दवाई लेकर आई, उन्होंने मुझे सिंगल दो ट्यूब दी, कोई भी टेबलेट वगैरह नहीं, दो ट्यूब थी, और उनसे मेरा चेहरा बिल्कुल क्लीन हो गया, वापस कभी हुई नहीं वो मेरे, मतलब पिंपल्स वगैरह कभी नहीं हुए वापस, तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और मैं आपको मतलब जो मैं दवाई ले रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, जब मेरा चेहरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दवाई बता दूंगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे मत सोचना कि मैं रिप्लाई नहीं करती या फिर आपकी कमेंट जो है पढ़ती नहीं, मैं सब कुछ पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी मैं आपको दूंगी बहुत जल्दी, मतलब थोड़ा सा मुझे हल्का हल्का फ़र्क लगा है, ऐसा नहीं है कि एकदम से क्लीन हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा लंबा प्रोसेस चलेगा इसका, तो आपको दवाइयाँ थोड़े से मतलब 2-3 महीने तक लेनी पड़ेगी, ज़्यादा दवाई नहीं है, सिर्फ एक टेबलेट है, एक फेस वॉश है और एक क्रीम है, जो कि मुझे मॉर्निंग में फेस वॉश करके और रात को फेस वॉश करके लगानी होती है, तो मैंने अभी फेस वॉश किया और मैं बस वो स्किन पे जो है क्रीम लगाऊंगी, और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।